कौन सी टीम चटाएगी किस टीम को धूल जब साथ मिलेंगे और भिड़ेंगे यूपी योद्धा और बेंगलुरु के बुल्स। मैं नमन कापरी आपका स्वागत करता हूँ चर्चाए कबड्डी पर। यहाँ मिलते हैं कबड्डी के रंग मेरे और आपके संग। आज का जो ये डबल पंगा है उसका दूसरा और आखिरी मुकाबला है 8:30 बजे से लाइव स्टार स्पोर्ट्स टीवी नेटवर्क पर बेंगलुरु बुल्स और यूपी योद्धा के बीच। ये दोनों टीमें इतिहास में कैसी खेली हैं उसकी अब करते हैं बात। तो इतिहास कहता है कि ये टीमें 9 बार भिड़ी है जिसमें 3 बार जीती है यूपी और 6 बार जीते हैं बेंगलुरु। तो बेंगलुरु ने अच्छी खासी यहाँ पर बढ़त बना रखी है और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आज के मैच में भी वो बढ़त कायम रखे। खिलाड़ियों की बात करते हुए मैं बेंगलुरु से स्टार्ट करना चाहूंगा। बेंगलुरु की टीम का पिछला मुकाबला था पिंक पैंथर्स के साथ, जयपुर की टीम के साथ, जहाँ पवन कुमार सहरावत स्टार रेडर क्लास खिलाड़ी और मेरे पर्सनल फेवरेट, 13 रेड पॉइंट्स, 1 टैकल, 4 बोनस, 18 पॉइंट, क्या खिलाड़ी है ये। मैच दर मैच ये अपना पौधा ऊंचा करते जा रहा है, पॉइंट्स लेते जा रहा है और अपना खेल निखारते जा रहा है। 18 पॉइंट्स के साथ एक जबरदस्त सुपर 10 स्कोर किया। दीपक नरवाल ने भी उनका साथ दिया 4 पॉइंट्स के साथ। सौरभ नंदल के हाथ में आए 3 टैकल पॉइंट्स और बाकी के डिफेंडर्स उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाए। केवल मोरे जीबी ही थे जो 3 पॉइंट ले पाए सौरभ नंदल का साथ देते हुए। सो डिफेंस को यहाँ बिल्कुल एक अच्छा काम करना होगा आज के मुकाबले में, क्योंकि पिछला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा है। स्टैटिस्टिक्स की बात करते हुए 7 मैच में 10 बार ये टीम ऑल आउट हुई है और 10 बार ही टीम ने ऑल आउट किया भी है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस ने काम तो अच्छा किया है, भले ही वो फॉर्म में ना हो आखिरी 1-2 मैच से, पर काम बिल्कुल अच्छा किया है। 7 सुपर टैकल है और 6 सुपर 10 है, जिसमें से 5 है पवन बाहुबली शेरावत के और 1 है चंद्रन रंजीत का। फैंटेसी पिक्स में अगर बात करो तो पवन शेरावत से बेहतर खिलाड़ी आपको शायद ही अभी देखने मिले फैंटेसी पिक्स में। 679 पॉइंट्स के साथ ये एक मस्ट पिक है, नो ब्रेनर है, बिल्कुल आप जा सकते हैं पवन के साथ। सौरभ नंदल और अमन है मेरे 2 डिफेंसिव पिक्स 438 और 344 पॉइंट्स के साथ। काफी क्राफ्टी डिफेंडर्स है, काफी चपल डिफेंडर्स है, चालाक डिफेंडर्स है और आपका काम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फिर मैं बात करूं यूपी योद्धा की, यूपी योद्धा में जो पिछला मुकाबला खेला वो खेला दबंग दिल्ली के साथ। दबंग दिल्ली के साथ मुकाबले में प्रदीप नरवाल ने लिए 8 रेड पॉइंट, 1 बोनस और 9 पॉइंट। सुपर 10 से जरूर छूक गए, लेकिन प्रदीप नरवाल ने थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाई कि वो आ रहे हैं फॉर्म में, बिल्कुल आ रहे हैं। सुरेंद्र गिल ने बिल्कुल 6 रेड पॉइंट, 1 टैकल और 2 बोनस के साथ 9 पॉइंट लिए। दोनों का ड्रॉ हो गया 9-9 पॉइंट्स पर। सुपर 10 दोनों भी नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन एक ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन था। डिफेंस था जहां पर ये टीम पड़ी है हल्की फिर से, क्योंकि केवल 3, 2 और 1 ऐसे पॉइंट्स मिले हैं डिफेंडर्स को जो बिल्कुल शुभा नहीं देती है इस बड़ी टीम को। तो बिल्कुल यूपी योद्धा ये प्रयत्न करेगी कि आज के मैच में वो डिफेंस में बिल्कुल ध्यान दे और अच्छा प्रदर्शन करे। 7 मैच में इस टीम ने 7 बार ऑल आउट कंसीड किया है और केवल 6 बार ऑल आउट दिया है, तो ये बताता है कि डिफेंस हल्का जरूर पड़ रहा है। 7 सुपर टैकल किए हैं और 4 सुपर 10 स्कोर किए, जहां 2 है प्रदीप के नाम और 2 है सुरेंद्र गिल के नाम। फैंटेसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस टीम के टॉप खिलाड़ी फिलहाल है सुमित, जो डिफेंडर है, और 389 पॉइंट्स के साथ वो इस टीम के एक जबरदस्त डिफेंडर है। सुरेंद्र गिल और प्रदीप नरवाल है 2 अटैकिंग रेडिंग ऑप्शंस आपके पास 373 और 306 पॉइंट्स के साथ, लेकिन दोनों भी फिलहाल थोड़े हल्के फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने टॉप क्लास में नहीं पहुंचे हैं, स्पेशली प्रदीप नरवाल। और अगर मैं एक ऑलराउंडर की बात करूँ तो शुभम है ऑलराउंडर यहाँ 150 पॉइंट्स के साथ, जिन्होंने इस टीम में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और ये भी एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं आज के मैच के लिए। तो ये मुझे देख के लग रहा है कि आज शायद यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स हाथ मार जाएगी और हरा देगी और ये रिकॉर्ड जो इनका ऑलरेडी इतना दुरुस्त है उसको और दुरुस्त कर देगी। तो ये थी हमारे इस मैच की प्रेडिक्शन। हम फिर मिलेंगे आपसे कल के मैचेस के प्रेडिक्शंस के साथ। आप देख रहे थे लीग 11 पर चर्चा है कबड्डी। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आज ये बताइए कि आपको क्या लगता है आज प्रदीप नरवाल फॉर्म में आ पाएंगे, और अगर आ जाते हैं तो ये डुबकी किंग आज कितने पॉइंट्स ले सकता है। कमेंट करके हमें बताइए, आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मैं नमन कापरी अलविदा लेता हूँ।